अस्सलाम वालेकुम। बहुत से बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, ये सोच रहे वो डॉक्टर बनेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता और उस पर काफ़ी गमजदा होते हैं, जो कि बात काफ़ी लॉजिकल है। और इसको लॉजिकली देखा भी जाए, सिर्फ 4000 सीट्स के लिए अगर 60,000 बच्चे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे होंगे, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो कि नहीं उसको क्लियर कर पाएंगे। तो उसके बाद होता ही है कि क्योंकि बहुत से बच्चों ने MBBS के लिए किया होता है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ ये डिस्ट्रैक्शन आ जाती है उसको, उनका पढ़ाई करने का दिल नहीं करता। ये उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं या थी। तो उसके लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे मैं बात करूँगा नस्ट के डिपार्टमेंट ए साहब से, नस्ट बायोसाइंस से कुछ स्टूडेंट्स, जो कि हमें बताएंगे कि आपके पास मेडिकल के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं। First of all, thank you for having us today. My name is Haris and I am currently a junior at ASAB in Applied Biosciences program. I did my O and A levels from CCI Islamabad, and when it comes to NET, I got 156 score. My name is Mahnoor Abdullah, and I am a junior year, Haris ki batchmate from ASAB, and I did my FSC from Islamabad, APSC, and when it comes to NET, I had a 142 minutes. तो आपका प्रीवियसली एम क्या था और आपने बायोसाइंसेस क्यों रखी और ये है क्या बेसिकली? अच्छा, मुझे ना स्कूल लाइफ से ही जो साइंसेस का सब्जेक्ट होता है उसमें बायोलॉजी का पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। फिर जो ये शौक है ये मज़ीद बढ़ता गया व्हेन आई गेट टू एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट ड्यूरिंग माय ओ एंड ए लेवल, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे जो मैंने अपना मेजर परस्यू करना है वो बायोलॉजी में परस्यू करना है। आपके पास बायोसाइंसेज जो है एक ब्रॉड फील्ड है वेयर यू गेट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज इन बायोलॉजी लाइक बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, प्लांट साइंसेज एंड मैनी मोर। सो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं जिनको आप आगे फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन में परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। सो मेरा लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल इट वॉज फर्स्ट एम वॉज MBBS एंड आई गॉट इन टू मेडिकल स्कूल्स, लेकिन नॉट ऑफ द मेडिकल स्कूल ऑफ माई चॉइस। और मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड एंड नो इज के शायद वो मेडिकल करना चाहते भी नहीं होते, इट्स जस्ट वो जो भेड़ चाल के पीछे पीयर प्रेशर, एवरीबडी इज डूइंग इट, यू आर अ हाई स्कोरर, यू हैव टू डू इट। आपने हाई स्कोर, आपके स्कूल में सिर्फ वही दो मेजर्स होते हैं, आप हाई स्कोरर हैं तो आप वहाँ रहते हैं, तो आपने MBBS करना ही है। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड अ वेरी हैपनिंग जॉब, तो मेरे लिए मेडिकल वॉज एक जॉब सिक्योरिटी तो डेफिनेटली होती है बाद में, लेकिन ये कि हैपनिंग जॉब होती है। और थ्रू समबडी हु वाज इन नस्ट, मुझे नहीं पता था कि नस्ट में ASAB होता है, BBS अप्लाइड बायोसाइंसेस भी होती है। और पहला टेस्ट मैंने वैसे ही शुगल में दिया और फिर बाद दूसरा टेस्ट जो दिया, और दिस इज़ हाउ आई लैंड हियर। अच्छा, ऐसे एक चीज़ मेरे जहन में शायद व्यूअर के जहन में भी आई, वो ये कि MBBS मेडिकल और इस साइंस बायोसाइंसेस को हम डिफ्रेंशिएट, मतलब व्यूअर ये कैसे जान पाए कि यार मैं मेडिकल के लिए बना हूँ या बायोसाइंसेस के लिए? आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, आप मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं ना, दे आर जो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन जो बायोसाइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं वो उसको एप्लीकेशन में ला के पेशेंट्स तक पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास रिसर्च करके लाने वाला कौन है? दोज आर द बायोसाइंटिस्ट, वो उनको बताएंगे कि आपको फला, अभी जैसे कोरोना है, हु टोल्ड यू कि आपकी इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, या किस तरह इसकी ड्रग बनेगी, वैक्सीन बनेगी, क्या किस तरह फैलती है? यानी जो डॉक्टर होता है वो क्लिनिकल एंड रिगरस सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल उसकी अप्रोच होती है, लेकिन जो बायोसाइंटिस्ट होगा वो रिसर्च करेगा एंड विल लुक इन टू द प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन बताएगा, जो कि डॉक्टर आगे से प्रैक्टिस करेगा। ठीक है। एक बचा था, उसने MD गेट देखना, MBBS करना था, हुआ ये कि अब वो नहीं क्लियर कर पाया, तो अब उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं और उसने इधर आना है, से बायोसाइंसेज या साइकोलॉजी कहीं भी आना है, अब उस स्टेज से इधर कैसे आए, तैयारी का प्रोसीजर क्या होगा, गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, वट एवर, वो कैसे आए, स्टार्ट कहाँ से करें? अच्छा, अगर तो बच्चा FSC का है तो मैं गाइड कर सकती हूँ इतना कि सो MD कैट जो होता है वो यूजली होता है टूवर्ड्स लेट सेप्टेम्बर अक्टूबर। ठीक है। तो आपका ऑन द अदर हैंड NET का जो NET ख़त्म हो जाता है जुलाई और अगस्त में, NET 3, NET 1 होता है दिसंबर में, जनवरी दिसंबर, फिर मार्च में, और उसके बाद तीसरा। अच्छा, तो
आपकी तैयारी मोस्टली, क्योंकि बच्चे अकेडमी जाते हैं एमडीकैट की तैयारी के लिए, उनकी तैयारियाँ बिल्कुल हाफ हाफ हुई हुई होती हैं, तो वो एनी टी में क्या आता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कि आप व्हेन यू स्टार्ट योर एफएससी यू शुड स्टार्ट लुकिंग इनटू योर ऑप्शंस कि आप क्या करना चाहते हैं, एटलीस्ट यू शुड नो कि है क्या वहाँ पे. सो आप यहाँ पे नस्ट में जैसे कि बीएस साइकोलॉजी है, बीएस केमिस्ट्री है, बीएस अप्लाइड बायोसाइंसेस है, मास कम्युनिकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और बीबीए है, बहुत सारी फील्ड्स हैं. मोस्ट पीपल दे वुड नॉट इवन नो कि क्या है. अच्छा, तो एक और चीज़ है कि अब इस फील्ड में आना किसी ने डिसाइड कर लिया या उससे पहले से किया हुआ, तो अब तैयारी कैसे करें, इसका कोर्स कहाँ से आता है, एंड एग्ज़ाम का वो फॉर्मेट एंड हाउ टू अप्लाई एंड ऑल दैट, वो क्या प्रोसीजर उसका. ठीक है, देखें पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता. तो मैं यहाँ पे ए लेवल के स्टूडेंट्स को एड्रेस करूँगा, मानो फिर बेहतर तरीके से बाकी बोर्ड्स को गाइड नहीं गाइड कर सकते. तो जो आपका नेस्ट का एग्रीगेट बनता है वो 75% एनईटी पे बेस करता है और 25% आपके ओ एन ए लेवल रिजल्ट पे बेस करता है. तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी ग्रेड्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना आपका एनईटी का स्कोर रखता है. अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यह आ जाता है कि जो आपका एनईटी है वो तकरीबन 90-95% पंजाब बोर्ड एंड एफएससी बोर्ड पे बेस करता है. ये आपके ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बनता है. तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंसियर एडवाइस देना चाहूँगा कि जो आपका ए लेवल का टेन्योर होता है, जो आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर रहे होते हो, उसके साथ साथ ही आपने पंजाब बोर्ड एफएससी बोर्ड को भी गो थ्रू करना है ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन अगर आपके बीज और सीज भी हैं दे वोंट रियली मैटर अगर आपका एनईटी का स्कोर अच्छा और आपका नेस्ट में एडमिशन हो जाता है. दिस एडवाइस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू देयर डिग्रीज फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम स्पेशली नस्ट. इवन ए लेवल स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आगे क्या करना है, किधर अप्लाई करना है, ताकि आप उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें. बोर्ड, क्योंकि मैं फेडरल बोर्ड से थी तो मैं ज़ाहिर है उस तरह से बेहतर बता सकती हूँ. आपको फेडरल बोर्ड में जब आप अकेडमी पढ़ने जाते हैं तो आपको पंजाब बोर्ड की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, फिर जब आप फेडरल बोर्ड से होते हैं तो एक वो रिलेटिवली थोड़ा सा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है. बस डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो ये कि आप यू शुड नो कि टेस्ट कब होने हैं, क्योंकि एमकैट की तैयारी आपकी देर से कंप्लीट होती है, तो आप आधी तैयारी से जब आप एनईटी देंगे तो आप डेफिनेटली सही से एनईटी नहीं दे सकेंगे. अब एमकैट के अंदर कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने एमकैट की तैयारी कर ली है, विच इज़ रियली डिफिकल्ट, तो उनको लगता है वो एनईटी कर लेंगे. लेकिन जब एनईटी का सिलेबस इज़ डिफरेंट, फेडरल जब आप एमकैट की तैयारी करते हैं तो उसमें सिर्फ एनिमल्स वाला पोर्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी की मैं बात करें, और नास्ट की जब एनईटी की आप तैयारी टेस्ट देने आते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स वाला पूरा पोर्शन होता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, विच इज़ बेसिकली ऑल ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मतलब मोस्ट ऑफ इट. तो ये डिफरेंस है. इसी तरह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अकेडमीज देने देते हैं, दे आर हेल्पफुल डेफिनेटली, लेकिन नास्ट की तैयारी के लिए आपने सिर्फ किताबों पर रहना है, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड, बेसिकली पंजाब बोर्ड. टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 180 क्वेश्चन होते हैं और 200 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं. सो डेफिनेटली अब आपको एमकैट में भी आदत होती है कि आप 40 सेकंड में अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस, लेकिन तब तक क्यों जब तक एनईटी होता है तब तक आपकी आदत हुई भी नहीं होती, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं कम्प्लीट होती. जैसे एनईटी वन होता है उसमें मैक्सिमम सिलेबस जो होता है जो टेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर में से आता है. सो और एनईटी टू में डिफरेंट, एनईटी टू नहीं मैंने दिया था, एनईटी थ्री में ये होता है कि फिर वो एक इक्वल प्रोपोर्शन हो जाता है समवॉट. सो या And I would like to add something here कि जो आपका NET होता है वो majority of the जो उसका portion होता है वो biology और chemistry पे base करता है. अगर आप biology और chemistry के portion को combine करते हैं तो आपके 200 में से 140 MCQs आ जाते हैं. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो फिज़िक्स के कोर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन वो बात ये जहन में नहीं रखते कि इनके सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं. तो अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हो, आई बिलीव कि आप एक अच्छा स्कोर सिक्योर. अच्छा, तो आपको वैसे भी याद है कि टोटल क्वेश्चन कितने हो, फिजिक्स कितने थे? बायोलॉजी के 80 आते हैं और केमिस्ट्री के आपके 60 आते हैं. फिजिक्स कंप्राइजेस ऑफ 30 MCQs और इंग्लिश के और IQ के रिस्पेक्टिवली 20 एंड 10. तो यूजुअली इस तरह से अकेडमीज है ना, वो क्या बात है, MBBS की तैयारी, MDcat की या इंजीनियरिंग की मेजॉरिटी. लेकिन जिस बच्चे ने इधर आना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, बायोसाइंसेस पढ़नी है, वो क्या FSC के बाद करें या इलेवंथ के बाद? बायोलॉजी इट इज़ इन्फॉर्मेशन, वो आपको रिटेन करनी पड़ेगी. आपको केमिस्ट्री में से आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में से भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल द टेस्ट आपको. लेकिन बायोलॉजी आप ये बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि रट्टा है, एक तो बहुत चीज़ें मैं याद नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बस मैं नहीं दूँगा टेस्ट, फिर आप इस तरह टेस्ट नहीं दे सकते. बायोलॉजी इज़ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करनी पड़ती है. पाकिस्तान के चार सूबे हैं,
पाँच सो गए, आपको याद करना पड़ेगा कि इतने सो गए, ठीक है? तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टिप्स स्पेसिफिक, जैसे मैं किडनी के एक स्पेसिफिक, अब कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एब्जॉर्प्शन ही होगी, और वो किन आयंस की एब्जॉर्प्शन होगी वो उन्हीं की होगी, आपकी बॉडी फंक्शनिंग सेम रहेगी, विच इज़ बायोलॉजी। तो आपको हाँ स्पेसिफिक आपको एम्फेसिस देना पड़ता है नामों पे, जो प्लांट के किंगडम्स वाले जो चैप्टर हैं, पांच चैप्टर्स हैं ये फर्स्ट ईयर की बुक में, उनके ऊपर ज़रूर एम्फेसिस दें, क्योंकि वो आपके एमडी कैट में नहीं होते। तो डेफिनेटली याद करें उनमें से चीज़ें जो कि आपको लगता है, बिकॉज इट इज़ नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब टेस्ट बनाते हैं तो वो बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं बनाते, वो मेजॉरिटी को जहन में रख करते हैं। तो एनी बडी हु हैज़ गॉन थ्रू द कोर्स थरली विल बी एबल टू अटेम्प्ट। अच्छा, यूजुअली जो एफएससी में प्री मेडिकल रखते हैं या ए लेवल्स में बायो के सब्जेक्ट्स रखते हैं, उन्होंने अगर एमबीबीएस एम किया हो और वो किसी तरह ना जा पाए उधर या चेंज कर लें अपना आगे जाके फैसला, तो उनको कैसे पता चलेगा यार ये और ऑप्शंस भी हैं मेरे पास? क्योंकि वही बात आ गई, अकेडमीज तो एमबीबीएस को प्रेफर करती हैं, एमबीबीएस वाले उनके लिए होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एलीट बच्चा। तो अब क्या ऑप्शन, कैसे ऑप्शन फाइंड कैसे करें, अवेयरनेस कैसे करें, फिर एवेल्यूएट कैसे करें कि इनमें से मेरे लिए क्या? देखें, जो आपके पास एक पर्टिकुलर बायो का सब्जेक्ट है, अगर आप उसको ही एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डिफरेंट चैप्टर्स मिलते हैं। एक आपको न्यूरो साइंस का मिल जाएगा, एक आपको कार्डियोवास्कुलर का मिल जाएगा, एक आपको किडनी सिस्टम के बारे में बता देगा। तो उस दौरान आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसमें से कौन सा चैप्टर है जो मेरे इंटरेस्ट पे बेस करता है। तो वहाँ से आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मुझे आगे इस सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि पता लगाने की, तो उसके लिए ये है कि आपको टाइम देना। आप इंटरनेट पे सिर्फ अगर ये सर्च करें, फॉर एग्जांपल आपका बायो का सब्जेक्ट है और उसमें यू कम अक्रॉस सेलुलर बायो का चैप्टर, आप सर्च करें सेलुलर बायो डिग्रीज इन पाकिस्तान, आपको वहाँ पे मल्टीपल साइट्स मिलेंगी, आप एक घंटा स्पेंड करें, दो घंटे स्पेंड करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी डिग्रीज करवा रही हैं। तो टाइम आपको देना पड़ेगा। और आई विल लाइक टू एड ऑन हरीस की सी बात पे कि यू स्टार्ट, यू डोंट स्टार्ट टू और थ्री मंथ्स बिफोर यू गो टू यूनिवर्सिटी, यू स्टार्ट अ ईयर और इवन मोर बिफोर दैट। आई रिमेंबर जब मुझे आना था यूनिवर्सिटी में यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ नर्स नहीं मैंने रखी हुई थी, मेरे पास आई रिमेंबर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के कौन से प्रोग्राम्स मुझे इंटरेस्ट करते हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, इस तरह कि आपने जिसके जो भी आपकी बजट के हिसाब से और आपकी आपकी फिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको यूनिवर्सिटी सूटेबल होती है। एंड बच्चे डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक कि बायो साइंसेज में देर इज़ सच एन एक्सपेंसिव रूम फॉर क्रिएटिविटी कि इफ़ यू लाइक साइंस ठीक है, तो यू वुड बी ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें इतना रूम फॉर क्रिएटिविटी है। आपको सिर्फ एक सेट चीज़ें याद करके अब वो इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती, ठीक है? वट यू विल डू इज़ यू विल बी डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। द प्रोसेस इट विल बी लॉन्ग, इट विल बी टैक्सिंग, इट विल टेक आवर्स, लेकिन इट विल सेटिस्फाई, बिकॉज अगैन क्रिएटिविटी जहाँ पे, अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, आपको शौक है क्रिएटिव होने का साइंटिफिकली, सो दिस इज आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट फील्ड, एनी फील्ड रिलेटेड टू दिस। ठीक हो गया, यानी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपने साथ साथ ही एवेल्यूएट करना शुरू कर दिया, ये नहीं करना क्या सेकंड ईयर का पेपर दे लूँ उसके बाद सोचूंगा अब कहाँ जाना, मैंने साथ साथ अपने आपको देखा है यार ये मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, क्योंकि बायो इज़ नॉट अबाउट बींग अ डॉक्टर या एमबीबीएस, इसमें और भी बहुत कुछ आता है। और ये बात काफ़ी हद तक नहीं पता थी बच्चों, इवन मुझे भी काफ़ी देर पता चली, बात पता चली, लेकिन जो ट्रेंड है कि यार एफएससी भी हो गई, मैट्रिक में भी सब्जेक्ट्स रख लिया ऐसे, उसको ख़त्म करो खुद से और एवेल्यूएट करना शुरू करो, यानी सब्जेक्ट्स मैंने खुद चूज़ करना शुरू कर दिया। क्या फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं सब्जेक्ट के बाद बायो साइंसेज के, कहाँ कहाँ जा सकते हैं? फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मेंशन अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट एंड फैक्ट इन पाकिस्तान की जो आपकी मेडिकल फील्ड है वो ऑलरेडी बहुत सैचुरेट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स के पास बायो साइंसेज में ना मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं। आप एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एज अ वायरोलॉजिस्ट, एज अ जेनेटिक काउंसलर, एज अ बायोकेमिस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन इवन कंट्रीब्यूट इन फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चरल, हेल्थ साइंसेज सेक्टर, एंड इवन आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में काम कर सकते हो एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ ओपन टू देम और व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट आपको सीज़ टू पर्सन। सोच रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं, मेरा भी ना दिल कर रहा है यार तो स्टडी करने का। पाकिस्तान में ना, सो इट्स एक बहुत फॉल्स नोशन है यहाँ पे कि फंडिंग नहीं होती, पैसा नहीं है, स्कोप नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। आई हैव बीन हियर फॉर 3 ईयर्स नाउ, ठीक है,
एंड बहुत पैसा है, फंडिंग बहुत है, लास्ट में तो बहुत है, ठीक है, और बाहर भी गवर्नमेंट बहुत फंड करती है प्रोजेक्ट्स को, स्पेशली अब तो आफ्टर कोविड तो दिस इज इट इज़ प्रॉबेबली दी मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड, ठीक है, और पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि खाली पड़े हुए, लोग पोस्टेड हैं, मतलब लोग आते नहीं है काम करने, इट्स द फैक्ट कि फंडिंग है, सब कुछ है, बस लोग नहीं है काम करने वाले, लोगों का रुझान उधर MBBS में फंसे हुए हैं, और जस्ट हाँ एक फोरेंसिक्स का पूरा डिपार्टमेंट बना पड़ा है जो कि फारिग है बिल्कुल. सो इसी तरह फोरेंसिक्स में आप जा सकते हैं, आप किसी भी और न्यूरोथेरेपी, आप और एक इमर्जिंग फील्ड है, एज आई मेंशन के मेडिकल डॉक्टर्स आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान को जो इस स्टेज पे चाहिए वो गुड रिसर्चर्स हैं, गुड साइंटिस्ट हैं, गुड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आई वुड रियली रेकमेंड एवरीवन टू परस्यू दिस डिग्री एंड कम टू ASAP बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी नीड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में जाकर प्रॉपरली, कैसी मिस्टेक्स ऐसी चीज़ें जो आपने की हो पहले और आपने अब सोचा यार अगर मैंने वो ना की होती या वो काम डिफरेंटली किया था तो आज मैं बेटर स्टेज पे होती या बेटर डिसीजन लिया होता, तो क्या वो है ऐसी कुछ चीज़ जो कि अभी ऑडियंस को शायद हेल्प कर दे? आई थिंक मेरे लिए तो यही होगा कि I love this so much कि I don't understand, I always wanted the room for creativity. I do not understand कि मैंने medical के लिए why I put myself through that torture. और दूसरा ये कि और definitely when I put myself through that MD cat वाला cycle which is I was very invested in it. मैंने बहुत पढ़ा था, मैंने ये नहीं कि मैंने मेरा दिल नहीं था या मैंने पढ़ा नहीं था, मेरा दिल भी था और मैंने पढ़ा भी था, बट यू वॉन्टेड इसके होने के बावजूद मैंने उधर क्यों, हाँ वो मैंने तैयारी बहुत लेट शुरू की, मेरा ख्याल से मैंने NET से ना एनी क्योंकि मैं MD CAT की तैयारी कर रही थी और मैंने तैयारी करते करते हाफ तैयारी के साथ ही NET दे दिया था. आई नो सो मैनी वेरी स्मार्ट पीपल हु आर सिटिंग इन मेडिकल स्कूल्स राइट नाउ जिनके NET में स्कोर थे वही 123, 110, 119. आप पहले से तैयारी करेंगे, इवन इफ दिस इज़ योर प्लान बी यू शुड एटलीस्ट सिक्योर दिस. आपको 145 मेरे हम लोगों को दो साल पहले 140 से ऊपर एक अच्छा स्कोर होता था या 150. अब ऑफ कोर्स कंपटीशन बढ़ गया है, मेरिट बहुत ऊपर चला गया, तो 145 150 से ऊपर आप जाएंगे तो 140 इज अ डिसेंट स्कोर, 150 जो आपके वो चांसेस काफी हाई है क्योंकि NET की वेटेज बहुत ज्यादा है, 75% वेटेज है. व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस वीडियो जो कि मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि एक जो फॉल्स नोशन सा बना हुआ है कि यार प्री मेडिकल के बाद मेडिकल MBBS ही है एंड आपको उसकी तरफ ही एम करना चाहिए, उसको तोड़ना है और उस पॉइंट से आपने शुरू करना है कि यार मैंने कहाँ जाना है, डिसाइड वहाँ पे कर लें. सिर्फ MBBS नहीं है, ऑफकोर्स इफ यू लाइक MBBS तो अचीव उसको परस्यू करो, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शन तो देख लो ना कि यार ये भी हो सकता है तो वहीं स्टार्ट करो और काफ़ी पहले से करो. ये नहीं कि MBBS अब नहीं क्लियर हुआ अब मैं बैठ के सोचूँ गैप ईयर लूँ, अच्छा यार MBBS तो नहीं हुआ अब मैं सोचूँ क्या कर सकता हूँ, तो फिर वो एक वेस्ट ऑफ टाइम भी अपने आपको आपने खाम खा किस में डाला है. अब क्या कहना चाहिए जो आपने बात की थी, अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इस बात को. तो फाइनल नोट देखें, समटाइम्स यू विल बी एबल टू सिक्योर अ प्लेस जहाँ पे आप जाना चाहते हैं और समटाइम्स आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन हु विल बी गोइंग थ्रू दिस एडमिशन प्रोसीजर्स, बिकॉज एज मानूल मेंशन आपके ASAP में बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, उन्हें एक सोसाइटी की तरफ से शुरू से ही प्रेशर दिया जाता है, एक इनपुट दिया जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान में कोई फील्ड परस्यू करनी है तो दैट इज़ आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल बिकॉज दीज आर व्हाट आर कंसीडर्ड एज द रिस्पेक्टेबल फील्ड्स इन अवर सोसाइटी एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग. और इससे क्या होता है कि जब आपका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता तो फिर वो बच्चा इतना डिसअपॉइंट हो जाता है कि ही और शी स्टार्ट्स थिंकिंग आउट दैट ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन एनी अदर फील्ड. यहाँ पर मैं एक कुरान पाक से आयत भी कोट करना चाहूँगा वेयर अल्लाह सुब्हान व तआला सेज़ इन सूरह बकरा, perhaps you hate a thing for yourself and it is better for you, and perhaps you love a thing for yourself and it is bad for you, and Allah knows and you know not. तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एक ना बहुत लिमिटेड फोरसाइट होती है, हम सर्टेन डिस्टेंस तक देख सकते हैं, हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला के पर्दों में क्या राज छुपे हुए हैं, हमारे लिए किस चीज़ में बेहतरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक न्यूरो सर्जन बनना चाहते थे, न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, आप एक डॉक्टर तो नहीं बन सके लेकिन इन द सेम फील्ड यू कैन कंट्रीब्यूट एज अ साइंटिस्ट, आप एक न्यूरो साइंटिस्ट बन सकते हो. क्या पता फ्यूचर में आप एक नया आइडिया फॉर्मुलेट करो, एक नया थीसिस पब्लिश करो एंड इट कैन क्रिएट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. व्हाट इफ़ आपकी उस रिसर्च से एक इनक्यूरेबल डिजीज़ की ट्रीटमेंट आ जाए और न जाने कितने पेशेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकें, तो आपको नहीं पता होता आपके लिए फ्यूचर में
क्या चीज़ किस चीज़ में बेहतरी है. यू जस्ट हैव टू रिमेन ओपन टू दोज ऑप्शन. सो माई फाइनल नोट वुड बी के गिव योर बेस्ट, मेक योर सेल्फ ओपन टू ऑल द ऑप्शन एंड स्टे पॉजिटिव डिस्पाइट द रिजल्ट. बिकॉज जब आप एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आते हो ना, तो यकीन माने जो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल फील्ड भी है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, आसान भी हो जाएगी. अच्छा, थैंक यू मानू हार फॉर योर टाइम. और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होंगे और मेरा भी है. सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट फेसबुक पे, ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर. इंस्टाग्राम इज़ प्रेफर्ड ऑब्वियसली. तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.